केजीएफ चैप्टर 2 में चंद मिनट के सीन के लिए सुपरस्टार यश ने 6 महीने तक शूटिंग क्यों की? क्या केजीएफ 2 इंटरनेशनल लेवल की फिल्म होगी? केजीएफ 2 ने रिलीज से पहले कैसे बनाया रिकॉर्ड और 2020 की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्म कैसे बन गई? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग रात के फिल्मी गलियारे में। केजीएफ चैप्टर 2 के लिए सुपरस्टार यश ने काफी तैयारियां की है। इस फिल्म में 6 मिनट के सीन के लिए यश ने कई महीने तक ट्रेनिंग ली। वो अपने किरदार को बेस्ट बनाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। साउथ सुपरस्टार यश अपनी फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में व्यस्त है, जिसे देखने के लिए दर्शकों का उत्साह अपने चरम पर। चैप्टर 1 को रॉकी के साथ राष्ट्रव्यापी दर्शकों द्वारा पसंद किया गया था और अब दर्शक दूसरे चैप्टर के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और माना जा रहा है कि केजीएफ चैप्टर 2 इंटरनेशनल लेवल की फिल्म होगी, क्योंकि इस फिल्म का जो क्लाइमेक्स है एक बेहद संवेदनशील मुद्दे को केंद्र में रख करके लिखा गया है। यस, एक बेस्ट लाइनअप के साथ फिल्म के कुछ सुपर इंटेंस दृश्यों के लिए शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग के बीच यश ने अपने बेटे से मिलने और अपने परिवार के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए 3 बार बेंगलोर के लिए उड़ान भरी थी। यश अपने परिवार को समय देने और पारिवारिक फंक्शन में शरीक होने से कभी चूकते नहीं है। यश इस किरदार के लिए खुद को बहुत सख्ती से तैयार कर रहे हैं और हमेशा अपने प्रोजेक्ट के साथ यादगार परफॉर्मेंस देते आए हैं। अभिनेता अपनी शूटिंग के बारे में जितना संजीदा है कि केवल 10 मिनट के सीन के लिए भी अभिनेता ने 6 महीने के लिए ट्रेनिंग ली थी। कहना गलत नहीं होगा कि यश अपनी आगामी फिल्म के लिए बेहद समर्पित है। हाल ही में घोषणा की गई थी कि रवीना टंडन भी उनकी फिल्म का हिस्सा बनने जा रही है, जिसने दर्शकों को अत्यधिक प्रत्याशित कर दिया है। ये आगामी फिल्म निश्चित रूप से पहले की तुलना में आधी बड़ी होगी। एक और बात जिस पर यश मुख्य रूप से ध्यान देते हैं वो है उनकी ब्लॉकबस्टर एंट्री, जो हमेशा अलग, अनोखी और एक अलग स्तर पर होती है, जो दर्शकों को बेहद पसंद है। केजीएफ चैप्टर 2 2020 में ही रिलीज होगी, लेकिन अभी तक रिलीज डेट की घोषणा नहीं की गई है। फिल्म के क्लाइमेक्स सीन में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपको हिलाकर रख देगा, क्योंकि संजय दत्त और यश का फेस ऑफ काफी धमाकेदार साबित होने वाला है। इस सीन में संजय दत्त और यश दोनों शर्टलेस होंगे। केजीएफ के पहले हिस्से में हमें कोलार गोल्ड फील्ड्स में अपना एक छत राज कायम करने वाले गरुणा की कहानी दिखाई गई थी। गरुणा सोने की इस खान का मालिक था और यहाँ काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। रॉकी यानी राजा कृष्णप्पा वैर एक गरीब घर का बच्चा, जिसकी माँ पैसे की कमी से इलाज ना मिल पाने के कारण मर गई थी, लेकिन उसने मरते समय अपने बेटे से वचन लिया था कि वो बड़ा होकर बहुत ताकत और पैसा कमाएगा। रॉकी इन्हीं चीजों की तलाश में मुंबई आया और जल्द ही रॉकी भाई नाम का एक डॉन बन गया। उसका बड़ा होता नाम देख कोलार खान को हथियाने के लालची लोग उसे गरुणा को मारने के लिए सुपाई देते हैं। पहली बारी में फेल होने के बाद रॉकी गरुणा को उसके गढ़ में यानी खान में ही मारने का प्लान बनाता है और मार भी देता है। पहली फिल्म यहीं खत्म हो गई। अधीरा गरुणा का चाचा है। सोने की खान के मालिक शूरवर्धन ने अधीरा को नजरअंदाज कर अपनी बीमारी के बाद खान को संभालने की जिम्मेदारी गरुणा को सौंप देता है। इस बात से अधीरा नाराज था। फिल्म के पहले हिस्से में अधीरा का कई जगह जिक्र आता है, जिसमें उसे बहुत ताकतवर और क्रूर बताया जाता है। रॉकी के हाथों गरुणा की हत्या के बाद अब अधीरा की नजर भी खान पर है। दूसरी ओर रॉकी भी उस खान पर अपना कब्जा चाहता है। इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये तब संभव हो पाएगा जब उसके पास ताकत होगी, मतलब वो अपनी माँ को दिए वचन को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा है। सारी टसल उस खान को लेकर है, इसलिए केजीएफ 2 में रॉकी और अधीरा आमने सामने होंगे। ये हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगा, लेकिन ये मेन लड़ाई अधीरा और रॉकी के बीच है। सुनने में नजर आया है कि केजीएफ का तीसरा पार्ट भी बनेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए क्या आप चाहते हैं कि केजीएफ 2 का अगला भाग भी बने।